तो गाइज़ जैसा आप देख रहे हैं आज मंदिर की सफाई चल रही है क्योंकि कल हमारे गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को, तो इसीलिए मैंने सोचा आज ही सफाई कर लेती हूँ क्योंकि कल भी और भी बहुत सारा काम रहेगा, तो फिर इसीलिए सुबह सुबह उठ के पूजा भी करना होता है। तो एक ही दिन में अगर फिर मंदिर भी साफ़ करना, पूजा भी करना, फिर सारा काम, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है काम, इसलिए सफाई मैंने एक दिन पहले ही कर लिया। बाकी कल हम पूजा करेंगे और देखते हैं, हमें मंदिर भी जाना है गुरुजी के आश्रम, तो वो डिपेंड करता है अभी क्योंकि राज का कहीं जाने का प्लान बन रहा है, तो अगर वो घर पे होते हैं तो ही हम जा पाएंगे, अदरवाइज़ तो हम नहीं जा पाएंगे, फिर और कभी चले जाएंगे। पर फिर भी उनका छोटा मोटा तो घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ही, बस उसी की तैयारी चल रही है। बाकी सब तो उन्हीं की दया है, अगर उनको बुलाना होगा तो वो ज़रूर बुला लेंगे हमको। जय गुरुजी। तो मिलते हैं फिर गुरुजी के बर्थडे में, आपको सब दिखाती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपने देख ही चुके हैं वीडियो में, मैंने अपना पूरा मंदिर वगैरह आज क्लीन किया है क्योंकि कल हमारे गुरुजी का बर्थडे है, तो इसीलिए आज सारा मंदिर क्लीन किया मैंने। क्लीन कर करके अब बहुत ज़्यादा सारा काम हो गया था, बहुत थक चुकी हूँ। 1:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी तक मैंने लंच भी नहीं बनाया है, तो अभी फटाफट से लंच बनाऊँगी, फिर लंच करूँगी। लंच में आज मैं नॉर्मल फिश बना रही हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से लंच बना के, फिर लंच करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग भी जाइए, लंच करके आइए। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, देखो क्या हाल है। मतलब आधे घंटे में खाना बनाते बनाते ये हाल है भाई। ऑलमोस्ट मेरा खाना अभी बन चुका है। ये इधर রান্না অলমोस्ट আমার কমপ্লিট। ভাত হয়ে গেছে, মাছের ঝোল হচ্ছে, আর একটু ফুটলেই হয়ে যাবে মাছের ঝোলটা। তো চলো তাড়াতাড়ি গিয়ে খেয়ে নি, অনেক জোরে খিদে পেয়েছে, খিদের চোটে কথাও বেরোচ্ছে না মুখ থেকে। তো চলো ফির খেয়ে তারপর দেখা হবে তোমাদের সাথে। আগে গিয়ে फटाफट খাই, আগে পেট পূজাটা করি, তারপরে কথা বলবো, ঠিক আছে? কেন আর এনার্জি নেই বডিতে কথা বলার। ये रहा मेरा आज का लंच, राइस, फिश करी और ये मैंगो। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से बैठ के बात करती हूँ, ठीक है गाइस? ओह डन, फाइनली मैंने खाना खा लिया है। खाना खाने की पहले वाली फीलिंग और खाना खाने के बाद वाली फीलिंग में इतना डिफरेंस है ना, ओह मत पूछो भैया मत। खाना खाने से पहले, खाना मतलब भूख लगने से पहले, तो खाना खाने से पहले ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हमें कुछ दिखता ही नहीं है सामने, सिर्फ खाना खाना और खाना। और जब खाना खा लेते हैं ना, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। आज पता है मेरा मन करा कि आज मैं चलो थोड़ा सा ना बंगाली में बात करती हूँ, जो कि हमारा मतलब ट्रेडिशनल हमारी जो लैंग्वेज है। लेकिन मतलब मैंने थोड़ी सी बात करने की कोशिश करी, मतलब इतनी गंदी आदत हो गई है ना हम लोगों की हिंदी में बात करते करते, कि जैसे कि हम बंगाली भूल ही गए हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैंने अपनी रिकॉर्ड करके मैंने दोबारा से सुना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो वो नहीं होता, नौसिखा नहीं होता, कि जिसको कुछ आता ही नहीं है ऐवें ही बोल रहा है ये वो। मतलब जो नया नया जैसे आया हुआ है कहीं से और फिर किसी से सुन के बोल रहा। मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि सुन के अरे ये क्या बोल रही हूँ मैं यार, जिससे लग रहा है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो फिर मतलब हम अपनी लैंग्वेज को इतना वो कर रहे हैं, हिंदी बोल बोल के हम अपनी लैंग्वेज बोलना भूल जा रहे हैं। तो मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं अपने हर व्लॉग में थोड़ी सी तो अपनी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज बोलूँगी, क्योंकि वैसे हम घर में बोलते नहीं हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बंगाली आती नहीं है, वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ मेरा हिंदी चलता है। मम्मी के घर जब जाती हूँ तो कभी कभार छोटी मोटी बातें अगर बंगाली में हो गई तो हो गई, नहीं तो वो हिंदी। पापा, भाई, सबके साथ मतलब जो भी मेरे रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल में बंगाली जितने भी है, सबके साथ हिंदी चलता है। तो बंगाली तो हम जैसे कि हम मतलब खा गए हैं बंगाली को। तो इसीलिए आज से मैंने डिसाइड किया है मैं अपने हर व्लॉग में 2-3 लाइन बंगाली बोलूँगी, ताकि वो मतलब अच्छा लगे सुनने में। और जो मेरे बंगाली व्यूवर्स होंगे ना, वो तो समझ ही जाएंगे कि हाँ इसको मतलब बंगाली बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब उनको वो ये समझेंगे कि मुझे बंगाली आता ही नहीं है, क्योंकि मेरी बोलने का टोन ही वैसा हो गया था। मैं क्या बोलूँ, कंफ्यूज हो गई बीच बीच में, तो मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बीच बीच में हिंदी वाला टोन आ जा रहा है। तो इसीलिए आज से मैं अपने ब्लॉग में कुछ बातें बंगाली में करूंगी और कुछ बातें हिंदी में करूंगी। हाँ मुझे पता है जो मेरे बंगाली व्यूवर्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बंगाली नहीं है उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन मैं वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी, जो मतलब मुश्किल वाला वर्ड होगा बंगाली में, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? तो बस यही बोलना था आप लोगों से। मतलब कितनी गधी हूँ यार मैं, अपनी मेरी जो लैंग्वेज है ना, मैं उसी को भूल रही हूँ धीरे धीरे। बैड मैनर्स ना। चलो फिर कल से इस गलती को सुधारेंगे, कल से हम बंगाली में बात करेंगे, ठीक? तो खाना भी हो गया, बातें भी हो गई। अभी थोड़ा, अब 3:30 बज रहे। आज मैं सोऊंगी नहीं, आज मैं एक न्यू वेब सीरीज़ देखूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से कोई वेब सीरीज़ भी नहीं देखा है। बहुत सारे न्यू वेब सीरीज़ रिलीज़ हुए हैं, तो आज मेरा काम यही है। आज मैं 1-2 वेब सीरीज़ तो देख ही लूँगी शाम तक, उसके बाद फिर उठ के जो होगा मतलब जो काम होगा फिर वो करेंगे। तो चलिए मैं वेब सीरीज़ देखती हूँ, फिर आपसे इवनिंग में मिलती हूँ या फिर रात को मिलती हूँ सीधा, ठीक है? बाय बाय। हे गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन आज पता है लाइट चली गई है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो इसीलिए 12 बज चुके हैं और अभी तक बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं आज लाइट आएगी भी नहीं आएगी। एली और राज तो मम्मी के घर चले गए। मैंने बोला नहीं, मेरे बस की नहीं, अभी जाऊँगी फिर सुबह उठ के आना, या फिर मतलब मैं फिर गई ही नहीं। अब वो लोग तो चले गए। देखो मैं लाइट के इंतज़ार में बैठी हूँ, कब लाइट आते हैं और कब नींद आती है, पर लगता नहीं है अब लाइट आएगी। आज तो मतलब आज की रात तो बिल्कुल काली रात जाने वाली है, पता नहीं क्या होगा, दिमाग ख़राब। तो चलिए फिर हम इंतज़ार करते हैं लाइट का और आप लोगों से फिर सुबह मिलते हैं, ठीक है। आप लोग तो आराम से सो जाइए, आप लोग के घर में तो लाइट होगी। वैसे कभी जाती तो है नहीं, पर पता नहीं आज कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो इसीलिए लाइट गई है, पर कोई बात नहीं, आप आराम से सोइए, सुबह मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसे आपने देखा कल रात को पता है लाइट नहीं थी, 12 बजे गई है, और सॉरी 11 बजे गई है और 3 बजे रात को लाइट आई है। मतलब कल तो बिल्कुल भी नींद नहीं हुई, आंखें बिल्कुल नींद से भरी हुई है। लेकिन आज बहुत काम है। आज मेरे गुरुजी का बर्थडे है, 7 जुलाई है आज, तो आज उनका बर्थडे है, तो सोचा कि सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट काम करती हूँ। सबसे पहला काम है कि व्लॉग को एंड करना, एंड करके उसके बाद सारा काम करना, उसके बाद से फिर न्यू व्लॉगिंग करना। तो जब तक ये व्लॉग एंड नहीं होगा तो न्यू व्लॉगिंग तो स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए फिर इस व्लॉग को आज के लिए यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो पता है ना क्या करना है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। क्योंकि आज सारा काम करके मुझे करना है रेस्ट, और ये बहुत तेज़ की नींद, रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, तो इस